वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे शेड्यूल ऑफ बार्स ऑफ आरसीसी रूफ स्लैब, जिसमें हम करेंगे डिटेल्ड एस्टीमेट हमारा आरसीसी वर्क का कैसे निकलता है, शेड्यूल ऑफ बार्स क्या होता है वो भी हम करेंगे, और कैसे निकलता है हम सब कुछ आज ही डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो आज का हमारा एग्जाम्पल देगा 21, इससे पहले हम 20 एग्जाम्पल कर चुके हैं, सबके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, मैं हमेशा ऑल्टरनेट डेज पे अपलोड करता जाता हूं वीडियोस, तो आपको लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखो, प्रिपेयर अ डिटेल्ड एस्टीमेट ऑफ आरसी रूफ स्लैब ऑफ 3 मीटर क्लियर स्पैन एंड 6 मीटर लॉन्ग फ्रॉम द गिवन ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग हमारी ये सारी है, आप देख सकते हैं अच्छे से। आरसी वर्क इंक्लूडिंग सेंटिंग, शटरिंग एंड स्टील एनफोर्समेंट डिटेल शैल बी टेकन सेपरेटली। ऑल्सो प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ बार्स। देखो, ऊपर तो मैंने हेडिंग दी शेड्यूल ऑफ बार्स, लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पे आप सीधा ही सबसे पहले लिखा हुआ है प्रिपेयर अ डिटेल्ड एस्टीमेट ऑफ आरसी रूफ स्लैब। तो पता है क्या होता है, ये शेड्यूल ऑफ बार्स आपको एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, ये चीज आती है, लेकिन साथ में डिटेल एस्टीमेट भी आता है, क्योंकि अगर आपने डिटेल एस्टीमेट निकाले तो शेड्यूल ऑफ बार्स बहुत इजी रह जाता है, नहीं तो आपको शेड्यूल ऑफ बार्स के लिए वही चीजें करनी पड़ती है जो आपको डिटेल एस्टीमेट निकालना। तो मेरा तो यही होगा कि यार एक ही लेक्चर में आपको दोनों चीज करा दूंगा, मेरा भी फायदा हो जाएगा, आपका भी फायदा है, मुझे भी लेक्चर कम लगाएंगे, मेरा भी टाइम कम होगा, लेकिन आपको उसी कम टाइम में आपको ज्यादा सीखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, वो आपका फायदा है। इन्होंने देखो पहले ही कह दिया कि आरसीसी वर्क इन सेंटिंग शटरिंग एंड स्टील एनफोर्समेंट डिटेल्स शैल बी टेकन सेपरेट। तो ये अलग से लेना है, ये अलग से लेना है, ये तो लेकिन हमें पता ही है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में करा था। अगर आपको दिखाऊंगा अपना प्रीवियस लेक्चर, तो इसमें हमने अच्छे से करा था, जिसने नहीं लगाया तो प्लीज पहले ये लेक्चर लगाना फिर इस पर आना, क्योंकि इसमें मैंने सब आपको बेसिक समझाया है, सारी इंट्रोडक्शन किया आरसीसी वर्क कैसे, देखो परसेंटेज होता है, ये सारे मैंने आपको फॉर्मल दिया है। तो प्लीज ये लेक्चर जरूर लगाना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बस ज्यादा इसमें नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये चीज जो मैं करवा चुका हूँ पहले, मैं 20-25 मिनट इस पर लगा चुका हूँ, कोई चीज मैं दोबारा थोड़ी डिस्कस करूंगा, ठीक है, टाइम बचाएंगे हम। ऑल्सो प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ बार्स, ऑल्सो प्रिपेयर में हम देख ही लें। तो देखो, अब आपके पास एक रूफ स्लैब है, आरसीसी रूफ स्लैब है, तो देख सकते हैं इसमें सारा आपको बस स्टील स्टील दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया, क्योंकि आरसीसी आगे आपको निकालने सारा स्टील है, शेड्यूल ऑफ बार्स आपको सारा निकालना है। तो देखो इसमें आप, अगर मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम समझाऊं आपको, ये ड्राइंग समझाऊं आपको, आप देख सकते हैं कि यार आपको एक रूफ स्लैब है, ये स्लैब है, ये ऐसे कॉलम पर खड़ी है, जिसकी आपको बेयरिंग 15 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, 3 मीटर क्लियर स्पैन, और इस तरफ से आप देखोगे तो आपको 6 मीटर यहाँ पे लॉन्ग है। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या दिया हुआ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ बार्स लिखे हुआ, देखो 12 डाया मेन बार्स इन्होंने कह दिया, 12 सेंटीमीटर सेंटर सेंटर हमारे है, कितने हैं वो हमें निकालने हैं। ठीक है, ये सारी इसकी लेंथ कितनी है वो भी हमें निकालनी है। ठीक है, अब उसमें इन्होंने कहा ऑल्टरनेट बार्स बेंट अप है। ठीक है, एक बार आपका मेन बार स्ट्रेट बार आएगा, एक आपका क्रैंक बार आएगा, मतलब कि बेंट अप बार, फिर एक आएगा, फिर बेंट अप आएगा। ठीक है, ये सारे हमारा ऑल्टरनेट ये चीज बोल रहे हैं यहाँ पे। ये अब इन्होंने ये और क्या दिया, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आपको कहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आपको कहा है कि 6-7 डाया 18 सेंटीमीटर सेंटर सेंटर आपको ये है, ये भी आपको कितने डलेंगे कैसे डलेंगे, देखो ऊपर भी है। ठीक है, ये ऊपर भी है, नीचे भी है, कैसे डलेंगे वो भी हम सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि यार ये बेसिक भी क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत ज्यादा आया है। ठीक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, ये बेसिक है, लेकिन ये बेसिक भी ऐसा बेसिक नहीं है कि आप समझोगे बहुत ईजी होगा, थोड़ा सा इसमें भी आपकी टिप्स लगती है, थोड़ी ट्रिक्स है इसमें भी, जो कि आपको इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाती है। ठीक है, आपका क्रॉस सेक्शन ये सारी चीजें आ जाएंगी, वो सारी चीजें हैं जो यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है, बस इसमें क्या है कि देखो बेंट अप बार्स एंड टॉप बार्स शोन डॉटेड, डॉटेड लाइन आपको बेंट अप वगैरह वो सारी चीजें इसमें शो कर रखी है। ठीक है, तो ये सारा आपका इस तरह हो गया। ठीक है, आउटर एज ऑफ स्लैब बोल दिया, आउटर फेस ऑफ वॉल बोल दिया, आउटर फेस ऑफ वॉल सारी चीजें बोल दी। ठीक है, ये आपका इसमें इतना कोई, चलो अगर आपको ये चीज भी ना दी होती ना, फिर भी आप ये वाले यहाँ इसी से सिर्फ आप निकाल सकते थे इजीली। देखो सबसे पहले कैसे, सबसे पहले इन्होंने देखो क्या बोला क्वेश्चन में कि आरसीसी वर्क इंक्लूडिंग सेंटरिंग एंड शटरिंग आपको अलग से निकालना है, स्टील एनफोर्समेंट अलग से निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हम आरसीसी वर्क पर आते हैं, तो आरसीसी वर्क 1:2:3 एक्सक्लूडिंग स्टील एंड इट्स बेंडिंग, तो हमने स्टील और बेंडिंग तो निकाल दिया, बट इंक्लूडिंग सेंटरिंग शटरिंग एंड बाइंडिंग, इसलिए आपको पता है क्या होती है सारी चीजें और वो ऐड करनी है। ठीक है, अब ये कितनी करनी है, किसके लिए करनी है, देखो लेंथ, देखो यहाँ पे 6 मीटर दिया, लेकिन बेरिंग आपको पता है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर इधर बेरिंग हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर उधर की बेरिंग हो जाएगी। ठीक है, दो साइड की बेरिंग होगी ना, उस तरह से भी दोनों साइड की बेरिंग होगी, तो यहाँ पे लेंथ आपकी 6.3 आ गई। ठीक है, अब विड्थ 3.3 कैसे आ गई आपकी, वही देखो 3 मीटर की है प्लस यहाँ पे 15 प्लस यहाँ पे 15। ठीक है, बेरिंग आपकी ऐड होगी तो 3.3 पूरा करना है ना, क्योंकि देखो आरसीसी वर्क तो यहाँ पे पूरा आएगा, ये आपका आरसीसी वर्क यहाँ पे पूरा आएगा। ठीक है, आपका आरसीसी वर्क पूरा हो जाएगा प्लस, अब देखो मतलब सॉरी मल्टीप्लाई, ये सारे मल्टीप्लाई में होंगे ना, ये सारे मल्टीप्लाई इनटू में हाइट, तो हाइट देखो यहाँ पे देखो कितनी दी हुई है, पूरी दी हुई है 12 सेंटीमीटर, मतलब 0.12 मीटर। ठीक है, सारी चीजें मीटर में ऊपर यूनिट्स में लिखी हुई है, तो टोटल क्वांटिटी आपके देखो साइज चारों चीजों को आपने मल्टीप्लाई करा तो 2.495 क्यूबिक मीटर आ गया, तो 2.495 क्यूबिक मीटर। अब देखो अब इसमें क्या होता है कि
अब ये डिटेल ड्रॉइंग है, ठीक है ना, मतलब कि अब ये डिटेल ड्रॉइंग्स आपको यहाँ पे दी हुई है। समझो ये हम डिटेल एस्टिमेट नॉर्मल का करते हैं जिसमें आपको स्टील ड्रॉइंग्स नहीं दी हुई है, कोई भी आपको डिटेल ड्रॉइंग नहीं दी हुई स्टील की आरसीसी की, तो बस क्या करते हैं जो भी है ना इसकी आप परसेंटेज कर देते हैं, यार इतना परसेंटेज स्टील लगेगा जो भी हमने इसमें पढ़ा था, जो भी अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊं थोड़ा सा, तो जो भी हमने इसमें करा था इतना इतना किस किस किया था, बीम है ना अभी हम बीम कर रहे हैं, स्लैब कर रहे हैं हम, स्लैब में आपको 0.7% to 1% आता है, नेक्स्ट हमारा बीम आएगा तो उसमें कुछ परसेंटेज आएगी, लेकिन हमें तो सारे दिया हुआ डिटेल दिया हुआ है तो हमें तो जरूरत नहीं है, हम तो यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आप देखो क्या डलेगा, टेबल देखो कैसे बनता है, टेबल वही सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है, कोई भी बुक्स में टेबल अलग से बना देते हैं, मेरा क्या है इसी में करवाऊंगा मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा, और आप भी देखना अच्छे से समझ जाओगे इसमें। देखो लेंथ बताइए सारी चीजें है, लेकिन हमें सिर्फ लेंथ चाहिए, वेट तो आपकी हाइट कुछ भी नहीं आता इसमें, क्वांटिटी आपको चाहिए, नंबर चाहिए और एक्सपेक्टेड नोट्स चाहिए, ठीक है, बस ये वेट का और आपका हाइट का यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। देखो स्टील बार्स इंक्लूडिंग बेंडिंग, तो हमने कहा था इंक्लूडिंग स्टील एंड बेंडिंग करा था ना, अब यहाँ पे हमने कह दिया स्टील बार्स इंक्लूडिंग बेंडिंग। देखो सबसे पहले हमारे यहाँ पे देखो क्या आते हैं, मेन बार्स, हमेशा शुरू करना मेन बार्स, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, फिर आपका स्टीरअप्स, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो मेन बार्स, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे क्या आता है देखो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, ठीक है, फिर उसके बाद आपका स्टीरअप्स। अब मेन बार्स में दो तरह की कैटेगरी होती है, एक आपकी स्ट्रेट बार और एक आपकी बेंटर बार, तो सबसे पहले आपकी स्ट्रेट बार आनी चाहिए, फिर उसके बाद आपका बेंटर बार आना चाहिए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए और फिर आपको स्टीरअप्स। और इसमें भी क्या होता है कि समझो अगर स्ट्रेट बार भी आपके दो तरह के डले हुए हैं, एक 20 mm का डला हुआ है, एक 22 mm का डला हुआ, तो सबसे पहले आपको 22 mm का आएगा, फिर 20 का आएगा, ठीक है, कुछ इस तरह सिस्टमैटिक वे है जो ये आपको पता होना चाहिए जब भी आप एस्टिमेट निकालो, ये नहीं कि पहले 20 कर दिया फिर पहले डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ऐसी कोई चीज नहीं होती, सिस्टमैटिक वे में ऐसे आपको चलना पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें भी, कैसे बनाना होता है कैसे लिखना होता है ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ये नहीं सिर्फ बस आंसर फटाफट लिख दिया ऐसा नहीं होता। तो देखो सबसे पहले हमने कहा मेन बार्स, अब देखो अब इसमें मेन बार्स में देखो सिर्फ आपको एक ही दिया है 12 mm डाया मेन बार्स, और यही हमें कहते हैं कि बार्स बेंटर, जो अल्टरनेट बार्स है ना क्रैंक बार्स है वो भी यही है सेम है, लेकिन वो अल्टरनेट लगे हुए हैं इसके साथ, ठीक है, वो सारी चीजें सेम होगी। तो हम देखते हैं कहते हैं देखो 12 mm डाया मेन बार्स इन्होंने बोला है 12 cm सेंटर टू सेंटर, तो 12 cm के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में हमारा लगे हुए मेन बार्स। अब देखो अब इसमें क्या है कि हमें देखो नंबर नहीं पता, सबसे पहले तो हम नंबर निकालेंगे, लेंथ हम उसके बाद निकालेंगे, तो सबसे पहले हम नंबर निकालते हैं, देखो कैसे स्ट्रेट बार 24 cm सेंटर सेंटर नंबर, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज आ गई कि आपको ये नहीं पता कि 24 cm क्यों आया, आपके मन में डाउट आया ना सर, अभी तो आपने ऊपर बोला कि 12 cm, अभी आप बोल रहे हो सर कि यार 24 cm, ये कैसी चीज आ गई सर, आपने गलत कर दिया। भाई गलत नहीं करा, मुझे भी पता है कि मैंने भी जब पहली बार पढ़ा ना मुझे भी डाउट आया था, कैसे डाउट आया अगर मैं आपको बताऊं, देखो अब इसमें करवाता हूं और तो की जगह नहीं है, तो आप देखो एक हमारा एक क्या डाला स्ट्रेट बार, समझो ये हमारा स्ट्रेट बार, इसको अगर मैं बेंट अप थोड़ा सा दिखाऊं तो ऐसे कर भी दिखाते हैं एक बार, चलो ये हमारा बेंट अप बार, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट बार, ये हमारा बेंट अप बार, ये हमारा स्ट्रेट बार, ये हमारा बेंट अप बार, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि सेंटर टू सेंटर हमारे स्ट्रेट बार लगे है, ठीक है, 12 डाया मेन बार एट 12 cm सेंटर टू सेंटर, ठीक है, 12 डाया मेन बार 12 cm सेंटर टू सेंटर, ठीक है, अब ऑल्टरनेट बार भी हमारे लगे हुए, तो मतलब की देखो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारा 12 रहना चाहिए, तो 12 का यहाँ पे 12 रहना चाहिए, 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 यहाँ पे 12 रहना चाहिए। लेकिन जब आप सिर्फ स्ट्रेट बार्स की बात कर रहे हो, सिर्फ आप स्ट्रेट बार्स की, तो इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपका कितना होगा, यहाँ पे 12 + 12 कितना होगा 24 cm सेंटर टू सेंटर, ये समझ आया ना कैसे आया 24 cm सेंटर। ऑल्टरनेट बार्स के लिए वही आ जाएगा जो हमारे यहाँ पे बेंट अप बार्स, ऑल्टरनेट बार्स जो हमारे लगे, देखो 12 का ये है, 12 का ये है, लेकिन दोनों आपस में कितनी दूर है, देखो 24 cm सेंटर टू सेंटर, ठीक है, तो ही यहाँ पे 24 आया, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑल्टरनेट बार्स नहीं बोला होता ना फिर मैं यहाँ पे 12 ही करता, ठीक है, अगर आपको ऑल्टरनेट बार्स नहीं बोला ना कि बेंट अप बार्स है तो फिर मैं यहाँ पे 12 ही करता, ठीक है। लेकिन अब आपको पता स्ट्रेट बार के लिए अलग निकलेगा, बेंट अप बार्स के लिए अलग निकलेगा, देखो स्ट्रेट बार्स एक दूसरे से कितनी दूर है 24 cm दूर है, और ये भी हमारे 24 cm दूर रहेंगे, ये चीज तो आपकी क्लियर होगी। अब आते हैं नंबर पर, ठीक है, अब आपके देखो नंबर पर देखो सबसे पहले लेंथ, ठीक है, पूरी लेंथ में से अगर आप देखो, अगर मैं आपको बताऊं ये आपकी पूरी लेंथ हो जाएगी, देखो ये आपकी पूरी लेंथ है, ये आपकी पूरी लेंथ है, ठीक है, आपने यहाँ पे ड्रॉइंग में अगर आप देखोगे, ठीक है, 12 mm डाया मेन बार देखो किस तरह लगे हुए, लंबे लंबाई में लगे हुए हैं, ये आपको दिख रहे ना ऐसे लंबाई में लगे हुए, तो मतलब कुछ इस तरह लगे हुए, ये सारे बार्स आपके कुछ इस तरह लगे हैं, 6 m आपका क्लियर था, ठीक है, आपने बेरिंग ऐड करी दोनों तरफ, आपने बेरिंग ऐड करी तो 6.3 होगा, ये भी आप समझ गए। अब आपको ये वाला फॉर्मूला समझाना मैंने, देखो अब ये वाला फॉर्मूला कैसे समझाएगा, पहले तो आपने इसमें क्या करा 6.3 आपकी पूरी आ गई, अब मैंने उसके बाद कहा था कि आपको यहाँ पे क्या अपना कवर भी माइनस करना होता है, ये जो आपका कवर है ना ये सारा आपको ये सारा आप यहाँ पे कवर माइनस कर दोगे, देखो कवर आपका कितना है, हमने लिया 0.04 मतलब 4 cm हमने यहाँ पे कवर लिया। अब आपको पता है मैंने अगर आपको चलो दोबारा से एक बार दिखाई देता हूँ मैं यहाँ पे ना, ये देखो
यहाँ पे अगर आपका आएगा देखो, फॉर इन आरसीसी वर्क द एंड और साइड कवर फॉर स्टील बार्स विल बी टेकन एज 4 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। यस, आपका यहाँ पे साइड तो बॉटम एंड टॉप कवर आपका देखो स्लैब के लिए, यहाँ पे मैं पहले ही दिखाया था, देखो स्लैब के लिए 1.2 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे बीम्स के लिए 2.5 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी 4 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर, ये आपको पता होना चाहिए पहले से। तो देखो ये आपने, मैंने यहाँ पे वही चीज कर दी मैंने, तो मैंने भी यहाँ पे क्या करा अपना, यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे इसमें ये पूरा आपका ये 6.3 हो जाएगा पूरा टोटल, मैंने इसमें अपना माइनस कर दिया अपना एंड कवर्स, ठीक है। तो एंड कवर्स माइनस कर दिया तो आपके चार लिए हमने, तो दोनों तरफ से एंड कवर्स होंगे तो -2 × 0.04, ठीक है, एक टोटल लेंथ तो आपको निकल गई। अब आपको पता है देखो आपको स्पेसिंग भी दी हुई है कि एक बार से कितना दूर डलेगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे पूरा ये 24 दिया हुआ है तो अगर आप ये डिवाइड कर दोगे 24 को इससे पूरा आप डिवाइड कर दोगे 24 जो 6.3 हमारी बनी है उससे डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा ना कि एक बार कितने नंबर ऑफ बार आ जाएंगे, आपको ये पता चल जाएगा ना यार। आपको देखो अगर मैं बोलूं कि अगर समझो ये हमारा कितना है, लेट ये हमारा 10 मीटर है, ठीक है, समझो ये हमारा 10 मीटर है और मैं कह रहा हूँ एक बार आपका कितने में डल रहा है, दो मीटर पे डल रहा है, एक बार आपका 2 मीटर में ऐसे सेंटर 2 मीटर, तो आपको पता चल गया यार 5 बार डलेंगे, ठीक है ना। आपको 5 बार डलेंगे, 10 / 2 करोगे तो तभी 5 बार ही आ पाएंगे, 10 मीटर की तो आपकी पूरी है ही जगह, उसमें हम कितने डालोगे 2 2 मीटर के दूर, तो 5 ही डाल पाओगे, तो 1 2 3 4 5 आप ऐसे ही डाल सकते, तो वही चीज इसमें होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 24 हमने वही चीज करी तो 0.24 हमने यहाँ पे मीटर्स में कर दिया। ये चीज आपको अच्छे समझ आई ना, ये चीज क्या है, अच्छे से ध्यान से आप ये सारी चीजें सुनना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सबके लिए, नई चीज होगी, जिसने अभी तक एस्टिमेट नहीं छेड़ा बिल्कुल भी तो उसके लिए नई चीज है, ठीक है। आप ध्यान से मन में आराम से ठंडे दिमाग से आप इसको वीडियो को पॉज कर लो और सोचो सर ये कैसे आया, ठीक है, सोचो कि ये कैसे आया। नहीं आया समझ फिर भी मुझे कमेंट में बता देना, मैं फिर से एक नई वीडियो में आपको और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं उस पर्टिकुलर बच्चे को और अच्छे से वहीं पे कमेंट्स में समझाने की ट्राई करूंगा, या फिर आप अपने मेल वगैरह पे हम अपना पर्सनल कर लेंगे। ये तो आप अच्छे से यहाँ पे ठंडे दिमाग से सोचने की देना, वीडियो पॉज कर लो भी आप और आप समझो कि इसमें कैसे आपके सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, कैसे आपने डिवाइड करा तो कैसे आपके ये आएंगे, ठीक है। एक पेन और पेपर से लेके चलना फिर आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ऐसे एक हाइपोथेटिकल आप वैल्यूज ले लो फिर आपको अच्छे समझ आएगा जिसमें आप इक्वली डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। आपको फॉर्मुला में इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इतना पॉइंट्स वगैरह में नॉर्मल, जैसे मैंने 10 में कहा कि आपको 2 2 मीटर के दूर है तो 5 ही बार जल सकते हैं, तो वही चीज हमारी इसमें हुई। अब प्लस वन हम लेते हैं, हमारा फॉर्मुला में रहता है प्लस वन, जितना भी आया प्लस वन कर दो 27 आया, ठीक है। यहाँ पे हमने मतलब स्टेट बार्स आपके यहाँ पे 27 आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये स्टेट बार्स ये वाले हैं, ठीक है, ये हमारे सारे क्या है, ये हमारे ऑल्टरनेट बार्स है, ठीक है, ऑल्टरनेट बार्स है ये वाले, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के ये वाला जो 24 सेंटीमीटर है ये हमारे कितने बार डलेंगे, हमारे यहाँ पे 27 डलेंगे, ठीक है, ये हमारे 27 डले। अब ऐसे ही हमारी देखो अब लेंथ कैसे आएगी, ठीक है, 27 डल गए, नंबर तो आपका इजी निकल जाता है, नंबर निकालना थोड़ा इजी है, ठीक है। नंबर में आप थोड़ा यहाँ पे अप्रोक्स भी कर सकते हो, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, क्या हो यार अप्रोक्स साइज आई क्या, मैंने भी अप्रोक्स ही कराया, यहाँ पे इक्वल तो पूरा अच्छे से आया नहीं होगा, ठीक है, तो मैंने अप्रोक्स करके 27 ले लिया, ठीक है। अब आपकी मर्जी आपने 27 अप्रोक्स लेना है नहीं लेना, देखो अप्रोक्स तो करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बार्स सब कैसे हैं, बस ये होता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है कि ये मैंने 27 ले लिया, शायद आपने 28 ले लियो, शायद आपने 26 ले लिया, तो अप्रोक्स का रहता है सारा, तो ये तो आप इजिली निकाल लो। लेकिन अब आता है लेंथ पर, अब ये लेंथ निकालने सबसे बड़ी टास्क होता है, ठीक है, जिसके लिए टास्क ये इजी लगा जिसको वो तो बहुत इजीली कर जाएगा, जिसको नहीं लगा उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। देखो कैसे मैंने ये सारे आपको फॉर्मुलास दिए हुए हैं, तो देखो साइड कवर 4 सेंटीमीटर मैंने आपको पहले बता दिया कि साइड कवर हमारा 4 सेंटीमीटर का है ही है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का हमारे यहाँ पे साइड कवर है। अब देखो इसमें मैंने क्या बोला कि साइड कवर हमारा यहाँ पे दिया है, मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया। अब देखो लेंथ का फॉर्मुला देखो आपको पता है क्या होता है, जो हमारी एल, ठीक है, ये हमारी पूरी लेंथ हो जाएगी, जो ये पूरी टोटल यहाँ पे देखो ये पूरी टोटल देखो बार की यहाँ से यहाँ तक की पूरी आ रही है एल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कवर्स है तो माइनस हमने 2 × साइड कवर्स करा प्लस 2 हुक्स, तो प्लस 2 हुक्स जो हमारी यहाँ पे आपको दिख रही नहीं, 2 हुक्स हमारी ये बन रही है ये वाली, ये यहाँ पे ये 2 हुक्स एक तरफ बन रही है एक इस तरफ बन रही है, 2 हुक्स जो बन रही है ये मैंने बेंटअप बार पे दिखा दिया आपको, यहाँ दिखाता हूँ सर्कल करके, एक ये हुक बनी एक ये हुक बनी, तो ये 2 हुक्स बन रही है, इनका भी वैल्यू इनकी कितनी लेंथ है उसके लगे 18 × डाया, ठीक है, 18 × डाया मैंने फॉर्मूला करा था, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो ये देखो ये करा हुआ, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ बार कैसे निकले एल प्लस 18 डी, जहाँ पे एल क्या आपका ये पूरी टोटल एल है, ठीक है, हम यही निकाले टोटल लेंथ ऑफ बार तो एल प्लस 18 डी, ठीक है, और जो एल कैसे निकले लेंथ ऑफ बीम और स्लैब -2 एंड कवर, तो ये एल हमने वही हमने निकाला, ये देखो स्लैब देखो पूरी लेंथ हमारी 3.3 था, ठीक है, पूरी आपकी 3.3 थी, -(-2 साइड कवर्स) कर दो -2 साइड कवर्स प्लस 2 हुक्स, और 2 हुक्स का आपको कितनी वैल्यू होती है 18 × डाया,
तो वही चीज हमने कर दी। देखो 3.3 माइनस 2 इंटू साइड कवर हमने करा तो मीटर्स में 0.04 प्लस 18 इंटू डाया आपका देखो कितना है यहाँ पे 12 mm, तो डाया आपका 12 mm है तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा 0.012 आपका यहाँ पे मीटर्स में करके आपके 3.44 मीटर्स आपका यहाँ पे निकल गया। ठीक है, पूरी लेंथ होगी आपकी यहाँ पे, पूरी लेंथ किसके लिए होगी आपकी यहाँ पे, पूरी आपकी स्टेट स्टील बार की आपके यहाँ पे पूरी आ जाएगी 3.44 मीटर्स। यही आपकी पूरी लेंथ आ गई, बहुत इजीली आ गई ना। देखो बस फॉर्मुला मैंने आपको बताया हुआ है, सिंपल आपने फॉर्मुला में वैल्यूज पुट करी और आपका यहाँ पे 3.44 लेंथ आ गई। अब ऐसे ही आपका बेंटर बार्स के सेम, अब देखो बेंटर बार्स के वो 24 सेंटीमीटर वही आपके देखो यहाँ पे आ जाएगा, बस यहाँ पे प्लस वन नहीं आया क्योंकि यार यहाँ पे ऑड आएगा तो यहाँ पे इवन आएगा जाएगा, वो तो आपको पता है। अगर मैं आपको समझाऊं जैसे देखो हमारी जगह कितनी है, देखो एक बार डाला, दो, तीन, चार, पांच, सिर्फ मैं आपको पांच तक दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आपकी सिर्फ इतनी जगह है, ठीक है, आपने यहाँ से ऐसे बार्स डाल दिए, ठीक है, आपने ऐसे बार्स डाल दिए पांच, आपने ऐसे बार्स डाल दिए और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑल्टरनेट बेंटर बार डालने, कितने डालेंगे देखो, एक, दो, तीन और चार। ठीक, ये तो आप समझ गए ना, अगर हमने पांच प्लस वन एक और कर देते हैं यहाँ पे, प्लस वन एक और कर देते तो वो तो बाहर चला जाता है, वो तो हमारा लगेगा ही नहीं बीच में, है ना। तो यहाँ पे प्लस वन इसीलिए नहीं आया, ठीक है, बस ये ध्यान रखना आप। इवन आया तो फिर प्लस वन आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। ऑड आता तो आप ये चीज ना करना, ये मेरा रूल है, ठीक है, मैं ऐसे करके चलता हूँ। तो आपको देखो 6.3 माइनस 2 इंटू ये सारा कुछ सेम आएगा, 26 आ गया, यहाँ पे 26 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 26 आ गया ये सारी चीज। लेकिन अब देखो अब इसमें लेंथ का फर्क पड़ेगा, देखो अब लेंथ का क्यों बेंटअप बार है, ठीक है, बेंटअप बार में आपको पता है कि और दोनों तरफ बेंटअप है, हाँ भाई दोनों तरफ बेंटअप है, तो आपको पता है बेंटअप बार दोनों तरफ होता है, आपको क्या करना पड़ता है, प्लस 0.9 डी, स्मॉल डी लिखा है, स्मॉल डी आपको पता है कवर होता है टॉप एंड बॉटम का, आपको माइनस करके जो आपका निकलता है ना बार के जो बीच की लेंथ होती है, ये लेंथ, ये आपको डी होती है, ये आपको आपके डी होती है, ठीक है, ये आपको पता है, तो यहाँ से आपके डी होती है। तो मैंने वो लिखा एडिंग वन डेप्थ 8 सेंटीमीटर फॉर 2 बेंटअप्स, तो इसी में ऐड कर दिया मैंने 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इसी में ऐड कर दिया 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर देखो कैसे निकला है, यहाँ पे टोटल आपको देखो कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है, ठीक है, टोटल आपको देखो 12 दी हुई है और आपको यहाँ पे बता दें कि यहाँ तक 10 है, मतलब ये आपका दो तो आपका यहाँ पे कवर पता चल गया, 2 सेंटीमीटर बॉटम कवर है और मैंने कहा टॉप भी आपका सेम है। और स्लैब में मैंने देखो आपको बताया हुआ है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखो स्लैब में जो हम आते हैं तो आपको देखो स्लैब में क्या है, 1.2 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर फॉर स्लैब, 2 सेंटीमीटर हमने दो तरफ कर ले लिया, बॉटम में तो आपको यहाँ पे इन्होंने दे ही दिया हिंट किया 2 सेंटीमीटर, तो हमने टॉप पर 2 सेंटीमीटर ले दिया, 2 + 2 कितना 4 हो गया, ठीक है, 4। अब आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, टोटल आपका 12 है, ऊपर से 2 हो गया, नीचे से 2 हो गया, माइनस करो तो 8 सेंटीमीटर ही आया। तो मैंने कहते देखो मैंने आपको बताया था कि 0.9 डी फॉर्मुला होता है, लेकिन मैंने बताया था आपको कि मैं हमेशा 1 डी ले लेता हूँ, मतलब कि पूरा एक एक डी ले लेता हूँ, ठीक है, मैं 0.9 डी कम ही लेता हूँ, ठीक है, मैं आपको अप्रॉक्स लेके डी कर, ये भी हम अप्रॉक्स ही लिया, मैंने अप्रॉक्स पूरा डी ले लिया। तो देखो अब 0. देखो अब ये 8 सेंटीमीटर, अब 8 सेंटीमीटर 0.9 है, अगर आप करोगे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और ऊपर से इसको हमने क्या मीटर्स में भी कर देना, तो बहुत ही छोटी वैल्यू रहती है, तो इसलिए मैंने 0.9 को हटा दिया, बस सिंपल डी रखा। तो एडिंग वन डेप्थ 8 सेंटीमीटर फॉर 2 बेंटअप, तो बस यहाँ पे हमने ऐड करा, तो यहाँ से आपका क्या 3.52 आ जाएगा, तो 3.52 आ गया, इसकी पूरी लेंथ आ जाएगी मीटर्स में। अब देखो अब ये चीज क्या होती है, आपको ये इनकी ना टोटल लेंथ निकाल लेनी है, क्योंकि टोटल लेंथ जब आप निकल जाएगी तो आपको उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करके आप टोटल वेट निकाल सकते हैं, कि आपको सिर्फ किलोग्राम पर मीटर, आपको किलोग्राम पर मीटर, एक मीटर के लिए आपको यहाँ पे वेट दिया होता है, आपको दिया भी नहीं होता है, आपको कैलकुलेट करना होता है या फिर आपको याद करना होता है, वही मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, टोटल लेंथ कैलकुलेट करके आपको वेट के साथ मल्टीप्लाई करके आपको टोटल वेट निकाल लेना है। तो टोटल लेंथ देखो कैसे निकलेगी, 27 इंटू एक की क्या है, एक बार की आपको 3.44 है, एक स्ट्रेट बार की आपकी लेंथ 3.44 है, तो आपके 27 बार की होगी, आपने मल्टीप्लाई करा तो इक्वल टू आपको देखो कितना आ जाता है, कुछ 92.88 आ जाएगा, 92.88, और ऐसे ही आपका सेम देखो इसमें आ जाएगा, तो 26 इंटू 3.52 अगर आपने करा तो यहाँ पे कितना आएगा देखो 91.52, अगर दोनों को आपने ऐड करा प्लस, तो 184.4 आपकी टोटल लेंथ बन गई भाई, 184.4 आपकी टोटल लेंथ बन गई। अब आपने इनटू वेट करना, क्योंकि एक मीटर के लिए, सिर्फ एक मीटर के लिए आपको 0.89 किलोग्राम आपका वेट है बार का, ठीक है, एक मीटर के लिए आपको 0.89, लेकिन आपका टोटल बार देखो टोटल लेंथ कितनी है आपकी 184.4, तो मल्टीप्लाई कर दो आपको टोटल वेट ऑफ स्टील मिल जाएगा ना। लेकिन अब आपके मन में ये डाउट होगा, सबसे पहला जो मैं आपको निकाल दिया आपके मन में, कि यार 0.89 कैसे आया और यहाँ पे आपने 0.22 कैसे कर दिया, सर यहाँ पे आता आपने कहीं पे गिवन दिया नहीं हुआ, अब ये चीज कैसे होगी। कि आप देखो ये चीज के अब दो तरीके हैं, या तो आप इसको याद कर लो कि 12 mm डायगा कितना होता है, ठीक है, यहाँ पे 6 mm डायगा कितना आएगा, फिर आपका 16 का कितना आएगा, फिर 20 का, 22 का, 24 का, 26 का, जितना भी आपका होगा, लेकिन मैं ये चीजों पर जाता ही नहीं, मैं कहता हूँ कि यार कोई भी चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको सारी चीजों का फॉर्मुला दूंगा,
यहाँ पे भी मैं जो भी चीज आपको देता हूँ ना वो सारे फॉर्मुलाज में देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ फॉर्मुला याद करो, मैं ये आपको ये नहीं कहता यार आपको कुछ बस सीधा सीधा ये छाप लो अपने मन में, ये नहीं, मैं आपको फॉर्मुला देता हूँ हर चीज का। अब मैंने यहाँ पे ये चीज तो नहीं कहा ना सीधा सीधा 27 आप ऐसी अप्रोक्स ले दो 27 ले 26, भाई फॉर्मुला दिया है तो ऐसी फॉर्मुला इसका क्या आता है आपका फॉर्मुला। अगर मैं दू तो देखो डी स्क्वायर, यहाँ पे बड़ा बड़ा मैं लिखता हूँ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्या है 162। ये फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो आपके लिए ये सारा इजी है। अगर आपको बहुत अच्छी लर्निंग पावर है तो 12 m का क्या है 6 m का क्या है सारे वेट आप वैसे ही याद कर सकते हो, नहीं तो आप डी स्क्वायर बाय 162 कर सकते हो। डी यहाँ पे क्या है डाया, यहाँ पे डाया ठीक है, डी स्क्वायर यहाँ पे क्या है डाया, ये डाया तो मतलब कि 12 m का अगर आप करोगे तो मतलब 12 m का अगर आप करो तो 144 upon 162 अगर आप करो तो 0.8888 कुछ आता है, तो उसको हमने क्या करते हैं 0.89 ठीक है। ऐसी आप इसका भी निकाल के चेक कर सकते हो ठीक है 0.22, तो कुछ इस तरह आते हैं। कोई कोई कहते हैं कि यार इसको क्रैम कर लो ठीक है, इसको मतलब ये ऐसे पूरा ना याद कर लो एकदम पूरा आप लगे रहोगे, जैसे हम पीरियोडिक टेबल करते थे ना 10th 11th 12th में पीरियोडिक टेबल याद करते थे वैसे याद कर लो। मैं कहता हूँ यार आपको फॉर्मुला देता हूँ मैं सीधा, तो डायमीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय 162 करो आपको सीधा सीधा वेट निकल आएगा जिसका भी आपको वेट चाहिए ठीक है। 12 m का चाहिए, 16 का चाहिए, 20 का चाहिए, 24 चाहिए, किसी का भी आपका सीधा सीधा इस फॉर्मूला से निकला। तो इस फॉर्मूला से हमारा 0.89 आया, तो हमने यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो आपका टोटल वेट देखो क्या आया, देखो आपने मेन बार्स का 164.12 kg, तो टोटल आपका 164.12 kg आ गया ठीक है। ये चीज आ गई खत्म ठीक है, यहाँ तक आप भी आप रुक जाओ ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, हम डायग्राम में दोबारा जाते हैं उसी हम देखते हैं ठीक है। यार मेन बार्स का सारा कुछ हो गया और चीज नहीं है, बस अब चीज क्या रहेगी डिस्ट्रीब्यूशन बार्स 6 m डाया 18 सेंट में सेंटर सेंटर ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बार्स रह गए 6 m डायर रखे है हमारे और 18 सेंट में सेंटर सेंटर है, लेकिन अब इसमें लेंथ देखो कौन सी कैलकुलेट होगी हमारी इस इधर वाली, मतलब ये आपको यहाँ पे 3 meter में आपको बताना है, देखो 3 meter में आपको ये डलेगा। अब इसमें एक चीज और है आपको देखो, पहले तो देखो आपको पता है ये ऊपर भी लग रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार्स ठीक है, ये ऊपर भी लग रहे हैं, ये बॉटम पे भी लग रहे हैं ठीक है, लेकिन हमें क्या पता है यार इतने इधर कितने हैं, ये तो आप डायग्राम में आप देख रहे हो अभी 3 है इधर 3 है ऊपर भी 3 है ये सारे 3 है, लेकिन हमें पहले इधर का निकाल लेंगे, इधर हमें नंबर दिए ही हुए हैं, पहले हम इनके नंबर्स निकाल लेते हैं, फिर इनके नंबर तो हमें दिए हुए देखो 3 इधर 3 इधर 3 कैसे देखो 1 2 और ये जो बीच में आया है यहाँ पे दिखाते नहीं है, कोई बुक्स दिखाते कोई नहीं दिखाती, लेकिन यहाँ पे हमेशा सोच के चलना कि यहाँ पे एक बार है ही है ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ पे है। ये आपको दिया नहीं हुआ मुझे पता है, हुक पर आपको नहीं दिया हुआ, लेकिन होता ही है ऐसे नहीं होगा कि ऐसे हो ही नहीं सकता, तभी तो बेंड हुआ है, तो यहाँ पे एक हुक होगा, यहाँ पे भी आपका एक बार होगा, तो यहाँ पे भी आपका एक बार होगा, तो यहाँ पे एक बार होगा, तो यहाँ पे ऊपर भी 3 हो गए देखो 1 2 3 1 2 3, तो ये चीज होगी। लेकिन अभी हम इसके नंबर नहीं पता, हम इसके नंबर निकाल लेते सबसे पहले ठीक है। आप जब भी एक चीज कर लो ना उसके बाद हमेशा डायग्राम पर जाओ, ड्राइंग पर जो भी आपको दी हुई है, फिर नीचे आओ, फिर देखोगे यार हम बेंट ऑफ बार्स निकाल लिए ठीक है, अब फिर जाओ देखो और कुछ तो नहीं रह गया, फिर आपको सिस्टमेटिक व्यू में चलना पड़ता है। अब ये नहीं कि यार अगर समझो स्ट्रेट बार्स करा आप बेंट ऑफ बोल गए और डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया फिर आप बेंट ऑफ कर दो, ऐसे नहीं होता, सिस्टमेटिक वे है, मैं आपको बता चुका हूं सारा हमारा ऐसे सिस्टमेटिक वे में चलता है। और देखो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आगे 6 m डाया के आगे ठीक है। अब देखो अब आपको नंबर मैंने कहा था कि इसमें आपको नहीं पता कि इसमें आपको नहीं पता कितने, तो इसमें आप देखो अब लेंथ कितनी आ जाएगी, देखो लेंथ कितनी है पूरी 3 meter है, 50 cm का आप इधर से माइनस कर दो, 50 का आप इधर से माइनस कर दो ठीक है ना, कि मतलब ये देखो पूरी 3 है, 50 का आप इधर से माइनस कर दो, 50 का आप इधर से माइनस कर दो कितनी रहेगी 2 meter रहेगा, तो यहाँ से आपने 2 meter को डिवाइड करा, 2 meter को आपने कितने 18 cm, तो 0.18 + 1, तो मैंने कहा था प्लस 1 रहता है ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 1 रहा तो 12, तो मतलब कि यहाँ पे इसके बीच में 12 लगेंगे ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो इन्होंने दिया है, ये जो बीच में क्रैक से लगा है इसमें बीच में 3 और डलेंगे ठीक है, बस इसमें आपको 12 बार्स डले, तो 12 अब लेंथ इसकी वही सेम आपके जैसे निकलेगी जैसे हमने स्ट्रेट बार्स की निकाल ली थी। देखो लेंथ आपकी देखो टोटल कितनी 6.3 ठीक है, लेंथ आपकी देखो कितनी डलेगी 6.3 डलेगी ना, देखो स्ट्रेट बार ऐसे डला ये ऐसे गया अंदर, ये सारा हमारा ये जा रहा है ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार ये जा रहा है हमारा सारा अंदर ऐसे 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 करके सारा अंदर जा रहा है, तो मतलब कि आपकी लेंथ कितनी हो गई देखो 6.3, तो टोटल हो जाएगी ये टोटल 6.3 ठीक है 6.3, ये याद रखना देखो डायग्राम में फर्क पड़ता है भाई, देखो डायग्राम में देखोगे तभी आपको समझ आएगा। देखो इसमें हमने लेंथ 3.3 करी ठीक है, इसमें हमने लेंथ 3.3 करी, इधर हमने ये वाली चीज करी, अब इसमें ऑपोजिट होता है डिस्ट्रीब्यूशन बाद में ऑपोजिट होता है हमेशा, बस यही याद टिप है मेरी तरफ से, एक ट्रिक याद कर लो, कुछ भी याद कर लो कि यार सिविल इनसाइड वाले सर ने कहा था यार एक ट्रिक है कि जो आप स्ट्रेट बार्स में जो आप लेंथ लेते हो ना वो इधर इसके लिए बन जाएगी और इसकी इधर इधर बन जाएगी ठीक है, आप ये ऐसे याद कर लो, एक ही याद कर लो कि स्ट्रेट बार के लिए कैसे होती है ठीक है ना, वो बस आपको इसमें से देख लेना है ड्रॉइंग में से और आप इजिली कर सकते हो। एक बार आपको ये वाला फंडा समझ आ गया उसके बाद तो बस इसको इधर ले आना है, इसको इधर ले आना है और कुछ नहीं करना। देखो अब इसका ऐसे हो गया, देखो लेंथ इज इक्वल 6.3 होगी
ठीक है, लेंथ आपकी देखो पूरी 6.3 हो जाएगी, लेंथ आपकी 6.3 होगी। ठीक है, अब आपके देखो -2 एंड कवर जाएगा, एंड कवर आपने माइनस कर दिया। ठीक है, 4 के आपने एंड कवर लिया है 4 सेंटीमीटर के, प्लस 2 हुक्स 18 इंटू डाया। ठीक है, अब देखो मैंने वही फॉर्मा लिखा है, देखो 6.3 माइनस 2 इंटू 0.04, ठीक है 4 सेंटीमीटर का आपने एंड कवर लिया, प्लस 18 डाया। ठीक है, 18 और इंटू डाया आपका देखो 0.0006 आया, तो 6 एम थे। ठीक है, 6 एम का आपका 0.006 आपका यहाँ पे मीटर में आया, तो 6.33 मीटर आपकी लेंथ आ गई। डिस्ट्रीब्यूशन कर बार की लेंथ आ गई, तो 6.33 डाल दिया। ये चीज तो आपकी होगी। अब देखो अब आता है बॉटम बार टू साइड्स, बॉटम बार टू साइड्स देखो, अब दोनों साइड्स पे डलेगा ना बॉटम बार, ये वाले बॉटम बार 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब आप ये सीधा 6 मत लिख देना। ठीक है, हमने कहा था बॉटम बार, ठीक है ना, बॉटम बार टू साइड लिखा था 2, दोनों साइड होगी 2 × 3, वैसे हमारे टॉप बार पे आ जाएंगे 2 × 3। तो लेंथ तो आपकी सेम ही रहेगी ना, बस आपको यहाँ पे नंबर बताने दें। ठीक है, इनके नंबर आपको दिए हुए 3 डायग्राम में, इजिली आपको दिख रहे हैं। ठीक है, डायग्राम में आपको इजिली दिख रहा है 3, लेकिन इसमें दिख रहा है देखो ऊपर से क्रैक बना हुआ ना, हमें क्या पता भाई कितने हैं, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट ही कर दिया। तो यहाँ से भी आपको वही सेम आएगा, देखो इनको सबने आपको मल्टीप्लाई करा। ठीक है, सबको आपको मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 151.92 आपकी पूरी लेंथ आ गई। वेट आपका वही फॉर्मूला निकाल देगा, डी स्क्वायर ठीक है डाया का स्क्वायर डिवाइड बाय 162, उससे निकला आपका 0.22 आ जाएगा। 0.22 से आपने ये चीज मल्टीप्लाई किया, तो आपका टोटल वेट आ गया 33.42 kg आया। तो इन दोनों को आपने ऐड करा तो 197.54 किलोग्राम आ गया, और मैंने कहा था आपको क्विंटल में हम ज्यादा देखते हैं, तो क्विंटल में आपका आ गया 1.975 क्विंटल। तो यहाँ से तो देखो आपका पूरा डिटेल एस्टिमेट खत्म होता है, लेकिन आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो तो अभी रहती है, शेड्यूल ऑफ बार्स। ये शेड्यूल ऑफ बार्स आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी, तो शेड्यूल ऑफ बार्स भी अभी कराते हैं। लेकिन इसमें आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, देखो मैंने अभी एनालिसिस ऑफ रेट्स उठाया नहीं, लेकिन अगर आपको बोलते हैं ना कि रेट भी हमें बताओ, तो रेट आपको देखो करंट रेट देखना पड़ता है डीएसआर वगैरह से। ठीक है, अगर आपको एग्जाम वगैरह में तो गिवन होता नहीं, तो आप अप्रॉक्स थोड़ा सा ले सकते हो जो आप बुक्स वगैरह में करते हो, तो उसका करके आपको क्विंटल का रेट दिएगा, इनटू में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, इस चीज में आपको छोटी सी बता देती हूँ कि अभी मैं एनालिसिस ऑफ रेट्स नहीं कर रहा, एनालिसिस ऑफ रेट्स भी हम आगे करेंगे। अब आता है देखो सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल ऑफ बार्स, और देखो शेड्यूल ऑफ बार्स का अगर मैं आपको बताऊं इसमें क्या होता है, आपको ड्रॉइंग बतानी है कि कौन सा बार कैसे डला है, कितना डल है, क्या उसकी लेंथ थी, ठीक है क्या आपने टोटल लेंथ बनी और क्या उसका वेट बना, वो हम शेड्यूल ऑफ बार्स में करते हैं। क्योंकि जब हम ऑर्डर दोगे ना, जब आप उसको दोगे यार लेबर वगैरह को, मतलब कि मिस्त्री वगैरह को, यार हाँ भाई उसको पता चल जाएगा कि यार 26 बार जितने हमारे पास स्टील आया है, जितने आपको बार्स आए हैं, उसमें 26 बार आपको यहाँ पे क्रैंक करने हैं, 26 बार आपको क्रैंक करने हैं, स्ट्रेट हमारे 27 रहने देने हैं, 26 हमें क्रैंक कर देने हैं। ठीक है, उसको ये चीज पता चल जाएगी, बस इससे शेड्यूल ऑफ बार्स उससे ये चीज पता चल जाएगी कि यार इतने हमारे यहाँ पे क्रैंक होंगे, ठीक है बेंटर बार डलेंगे। अब देखो अब ये कैसे होती है, देखो मेन स्टेट बार्स की देखो अब क्या आएगी, 12 डाया के देखो सबसे पहले हम ये डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, देखो मेन स्टेट बार्स, फिर मेन बेंटर बार्स, फिर बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आ गया, फिर आपका टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। तो बॉटम देखो हमने सारी इसमें ऐड कर देते हैं, बॉटम में हमारा देखो ये सारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है ये सारे ऐड हो जाएंगे, टॉप ये रह जाएगी, ये 3 भी इसमें और 3 इसमें भी, 6 और इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 12 ये थे, 6 और ऐड हो गए, कितने हो गए 18 हो गए, तो 18 यहाँ पे आ गया। ठीक है, देखो मेन स्टेट बार्स, तो मेन स्टेट बार्स की डायग्राम आपको पता है कुछ इस तरह ही रहती है। ठीक है, मेन स्टेट बार के ये हो गया, तो उसकी लेंथ कितनी है 322। ठीक है, 322 देखो कैसे है, ये इन्होंने सेंटीमीटर्स में कर दिया, मीटर में करना आपकी मर्जी, यहाँ पे इन सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 322 कैसे निकला, अब देखो इसमें क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस 3.3 माइनस 2 इंटू साइड कवर करना है, क्योंकि देखो आपको सिर्फ इतना इतना निकालना है, आपको ये नहीं बीच में ऐड करना, ये हुक वाला ऐड नहीं करना आपको, सिर्फ आपको इतना इतना निकालना, मतलब 18 इंटू डाया, मतलब 18 इंटू डाया आपका कैंसिल हो गया, तो 18 इंटू डाया आपका ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, ये वाली चीज आपकी कैंसिल होगी, तो 3.3 माइनस आपका कितना आएगा 4 सेंटीमीटर, मतलब 2, यहाँ पे देखो 3.3 माइनस 2 इंटू 0.04, ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया देखो 3.32 ही आ गया, सॉरी 3.22। ठीक है, आपने सेंटीमीटर कर रहे थे 322 आ गए थे, 322 आ गया, ये चीज आ गई। ठीक है, अब लेंथ तो आपको यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर दी 3.44, देखो अब लेंथ कैलकुलेट कर दी, सीधा सीधे डाल दे 3.44। अगर आप सिंपल सीधा शेड्यूल ऑफ बार्स निकालते तो आपको सारी चीजें, ये वाला फॉर्मला आपको पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने डिटेल्ड भी करा दिया और आपको शेड्यूल भी अभी करा रहा हूँ। ठीक है, तो बस यही मेरा काम था कि डिटेल्ड भी और शेड्यूल एक ही लेक्चर में दिखा दूं, टाइम भी बचेगा मेरा भी आपको भी, और ज्यादा सीखने को मिलेगा एक ही लेक्चर से। ठीक है, अब मैं नंबर ऑफ लेक्चर बढ़ाऊं जाना उससे कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं देखेगा, जिसको मेरा थोड़ा लगेगा ना कि हाँ भाई सर ने एक लेक्चर में कुछ करवाया, समझने वाली चीज करवाई है, वो ही देखे मेरा आगे वीडियोस, ये तो कोई नहीं देखा यार ऐसे, तो मुझे तो ये कि आप देखते रहो मेरा चैनल, तो इसलिए मैं करता हूँ। तो देखो 3.44 आ गया, नंबर भी हमें बता दिया 27। ठीक है, 27 आपके आ गए, तो टोटल लेंथ आपकी 92.88 आ गई, मैंने भी यहाँ पे वही कैलकुलेट करी थी 92.88, वो लेंथ यहाँ पे आपकी आ गई। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो मेन बेंटअप बार 12 डाया। ठीक है, मेन बेंटअप बार 12 डाया। ठीक है, आप देखो इसमें क्या बेंटअप बनाया आपने,
ठीक है, बैंटर बनाया, इसमें आपने ये दिखा दिया कि यार हमने हमारा डी कितना लिया था, हमने डी 8 लिया था ना, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे मैंने बताया था साइड, यहाँ पे हमने देखो डेप्थ, हमने देखो 8 सेंटीमीटर यहाँ पे ली थी हमने सीधी सीधी, तो यहाँ पे मैंने 8 दिखा दी, ये चीज आपको पता है। अब देखो आप पूछोगे सर ये 45 डिग्री मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कुछ भी नहीं होता 45 डिग्री ही लोगे, और आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया ड्राइंग में कि यार हाँ भाई 30 सेंटीमीटर है तो आप 30 डिग्री है तो आप 30 डिग्री लोगे, ये तो कुछ भी मेंशन नहीं है तो 45 डिग्री है, ठीक है ये चीज ले ली। तो आप पूछोगे सर अब ये कैसी चीज कर दी, 61 इधर आ गया, 61 इधर आ गया, 200 आ गया, अब ये चीज कैसे करी। देखो अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें क्या होता है, देखो अब देखो आपको ये भी लेंथ निकालनी है, सिर्फ अप्रोक्स ये भी लेंथ निकालनी है, तो देखो 50 यहाँ तक है, 50 यहाँ तक है, ठीक है 50 यहाँ तक है, प्लस आपका 15, प्लस आपका 15 कितना हो गया 65 हो गया, 65 हो गया, और साइड कवर आपको पता है कितना हमारा होता है 4 सेंटीमीटर, ठीक है हमने यहाँ पे लिखा ही हुआ है साइड कवर हमारा 4 सेंटीमीटर, तो एक तरफ से आपने माइनस कर तो ये वाली लेंथ यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ होगी आपकी, 61 नहीं होगी, तो वही तो मैंने यहाँ पे लिख दी 61, और यहाँ पे भी वही सेम हो जाएगी 61, तो यहाँ से दोनों को आपने यहाँ 322 से माइनस कर दो 200 आ जाएगा, बस सिंपल था ना, कोई इसमें कोई ये सोचने वाली बात तो नहीं थी कैसे हुआ, तो 3 यहाँ पे आपका ये आ गया, मतलब कि यहाँ पे 322 से यहाँ पे पूरी थी, उसमें से आपने 61 इधर से माइनस कर दिया, 61 इधर से कर दिया, 200 आपकी बीच वाली लेंथ आ जाएगी, तो मतलब कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे ये वाली चीज आपकी पूरी 200 आ जाएगी, यहाँ पे मतलब 2 मीटर की आ जाएगी, और दिख भी रहे यहाँ पे आपकी 2 मीटर आपको पूरा निकालोगे, ठीक है यहाँ से आपका ये इतना निकल जाएगा, ठीक है ये वाली लेंथ इतनी निकल जाएगी, तो आपका इजिली ये चीज निकल गई। अब आता देखो ये आपको पता है 3.52 लेंथ, यहाँ पे मैं टैली कराया था एक बार, 3.52 लेंथ थी, 26 आपकी नोज थी, ठीक है अब 91.52 मैंने आपको बताया था, 91.52 टोटल लेंथ आपकी 184.4 आ गई, तो टोटल वेट आपका 164.12 है, तो वही है 164.12 kg, ठीक है वो चीज आ गई, ठीक है यहाँ पे खत्म हुआ। अब आता है बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार में देखो मैंने 18 आपको बता दिया कैसे आए थे, ठीक है 12 ये थे, ठीक है बॉटम देखो 6 ये थे, 18 ऐसे हो गए, लेंथ आपके 6.33 आ गई, ठीक है तो अब देखो पूरी लेंथ आपकी देखो 622, अब 622 तो वही है कि ये वाली चीज छोड़ दो, ठीक है ये चीज छोड़ दो, तो 6.3 माइनस 2 इंटू 0.04, ठीक है थोड़ा टाइम हो गया ना बोलते तो थोड़ा सा हो रहा है, तो 2 इंटू 0.04 आपने माइनस कर दो 6.22, तो यहाँ पे 622 आ गया, तो 622 आपका ये पूरा आ गया, ठीक है इसमें आपको बस पूरा यहाँ पे 622, इसको तो बेंट अप हुआ नहीं कुछ, तो 622 ये है, तो वही आपका 6 बार्स के जो आपके टॉप बार्स था वो भी सेम होगा 622, तो 6.3 जो इसकी लेंथ है 6 डले, तो टोटल आपका देखो 151.92, ठीक है आपका ये तो चीज है जो आपने ये चीज करी है, बस वही शेड्यूल ऑफ बार्स में ऐसे कर देना, बस इसमें ये चीज नहीं होगी, एक ये वाला और ये वाला, ये भी बस क्या है इसमें आपने लिखा ही है, यस ये भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ सिर्फ आपका यही एक नया चीज है, बाकी सब आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, सब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हो, तो यहाँ पे 33.42 kg आपका ये निकला है, बस खत्म, ठीक है थोड़ा सा लेक्चर मुझे पता है 30 मिनट को यार बनेगा, यार आपको पता है कि एस्टिमेशन कोई ये नहीं है कि बहुत 5 मिनट में हो जाए या 10 मिनट में हो जाए, 30 से 45 मिनट का तो लेक्चर बनेगा, और ये तो बहुत ईजी है, ये तो अभी आपका पहला स्टेप है, अभी इसके बाद देखो आपको मैं बताया देखो कितने कितने अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा आपको दूं यहाँ पे हिंट, देखो अब उसके बाद ये कुछ इस तरह से आया है, ठीक है अगर उसके बाद भी आपको नेक्स्ट थोड़ा सा दूं, ठीक है इसमें हमारे चलो शेड्यूल ऑफ बार्स नहीं है, लेकिन देखो अब हमारे यहाँ पे किसके लिए आ जाएगा, आरसीसी कॉलम विद फाउंडेशन आ जाएगा, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो आपको रिटेनिंग वॉल का भी करवाऊंगा, तो देखो रिटेनिंग वॉल का भी पूरा आ जाएगा, ठीक है तो मतलब ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके जरूरी है, तो वही वही चीज मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ, ठीक है फालतू फालतू चीजें नहीं मैं करवाता, फालतू फालतू चीजें फायदा नहीं, मैंने ये चैनल ही इसलिए बनाया है कि आप एग्जाम्स में एक्सेल कर पाओ, ठीक है एग्जाम्स में एक्सेल करवाओ, तो उसके पर्पज में आपको यहाँ पे करवाता हूँ, तो बस ये आज का लगता है शेड्यूल ऑफ बार्स ऑफ आरसी रूल्स लैब, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता भी है, तो शेड्यूल ऑफ बार्स निकालने के पहले हमने डिटेल करा, फिर हमने शेड्यूल ऑफ बार्स करा, अब ये चीज हो गया, अब नेक्स्ट में थोड़ा टाइम शायद कम ही लगे या फिर इतने लगे, क्योंकि ये सारी चीज मैं आपको समझा चुका हूं, तो वहां पे बस आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे कैसे और आगे सॉल्व होता है, बस उसमें एक स्टीरअप सी और ऐड होगा और बाकी सब सब सेम होगा, ठीक है तो बस ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर शेड्यूल ऑफ बार्स ऑफ आरसी रूल्स लैब, तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल सिविल साइको को जरूर सब्सक्राइब करना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।